1984 के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, साथ ही उनके सरेंडर करने की मियाद भी बढ़ाने से इनकार कर दिया था। मगर आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है, साथ ही सीबीआई से भी जवाब तलब किया गया है। 1984 के मामले में कसूरवार सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने उम्र कैद की सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सज्जन कुमार को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, साथ ही सीबीआई से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस मामले में अगले 6 हफ्ते में सुनवाई शुरू हो जाएगी। बता दें कि सज्जन कुमार को जब 17 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी तो सियासी पारा भी गरमाया था। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर थी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने गुनहगार को बचाने का काम किया है। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी जवाब मांगे गए थे। विवाद के बीच सज्जन कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से सरेंडर के लिए वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सज्जन की याचिका को ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर को दिल्ली महानगर दंडाधिकारी अदिति गर्ग की अदालत में सरेंडर किया, जहां से उन्हें मंडोली जेल भेज दिया गया था। वहीं अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो देखना होगा कि क्या वो जेल में ही बंद रहेंगे या फिर कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।